मोदी 3.0 की सरकार एक गठबंधन की सरकार है। इसमें बीजेपी के अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी इक्वली इम्पोर्टेंट है। नतीजा आने के बाद ये अजम्पशंस लगाए जा रहे थे कि इस बार इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज जैसे रेलवे, फिनेंस, होम मिनिस्ट्री जेडीयू या टीडीपी को जाएंगे, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने अपना स्टेटस को मेंटेन करते हुए इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज को सेम ही रखा है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि किन मिनिस्ट्रीज को सेम रखा गया है, कौन से नए चेहरे अब पोर्टफोलियोज में दिखेंगे और कौन से नेताओं को इस बार कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाया गया है। हेलो, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2019 की तरह ही अपने पास मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस रखा है, साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इश्यूज को भी अपने पास ही रखा है। कैबिनेट मिनिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज को सेम ही रखा गया है। जैसे राजनाथ सिंह को एक बार फिर से डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई है, अमित शाह को गृह मंत्री और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन रखा गया है, नितिन गडकरी विल रिमेन द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, निर्मला सीतारमन को एक बार फिर से मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स बनाया गया है, डॉक्टर एस जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बने रहेंगे। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान को एक बार फिर से एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई है, अश्विनी वैष्णव को एक बार फिर से रेल मंत्री और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन बनाया गया है। आपको बता दें, इससे पहले अनुराग ठाकुर इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, लेकिन इस बार उन्हें इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाया गया है। हर्षदीप सिंह पुरी को एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस दी गई है। इस बार बीजेपी ने कई नेताओं को स्टेट मिनिस्ट्री और पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाकर कैबिनेट में जगह दी है। जैसे जेपी नड्डा ने इस कैबिनेट में डेब्यू किया है और उन्हें मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स बनाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे शिवराज सिंह चौहान भी पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं और उन्हें मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट बनाया गया है। हरियाणा के एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर को मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ पावर बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बनाया गया है। आपको बता दें, 2019 के कैबिनेट में सिंधिया सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। भूपेंद्र यादव को मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बनाया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म बनाया गया है। 2019 के कैबिनेट में शेखावत जल शक्ति मिनिस्टर थे। वहीं पीयूष गोयल को मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज बनाया गया है। प्रहलाद जोशी इज द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। जुवल ओरम को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दिया गया है। गिरिराज सिंह बने हैं मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो 2019 के कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर थे, अब उन्हें मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और साथ ही मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। जी किशन रेड्डी को मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस बनाया गया है। वहीं किरण रिजिजू को मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और साथ ही मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय मिला है। सीआर पाटिल को जल शक्ति मिनिस्टर बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी को महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया है। ये सभी पोर्टफोलियोज भाजपा नेताओं को दिया गया है और 5 ऐसे पोर्टफोलियोज हैं जो नॉन बीजेपी लीडर्स के खाते में गए हैं। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी को मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज और मिनिस्टर ऑफ स्टील इंडस्ट्री नियुक्त किया गया है। हम के चीफ जीतन राम मांझी को मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बनाया गया है। जेडीयू के राजीव रंजन सिंह को मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज और साथ ही मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी दी गई है। टीडीपी के राममोहन नायडू को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मिली है। लास्टली एलजीपी के चिराग पासवान को मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाया गया है। ये है वो 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स। इस बार कैबिनेट से अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, राजीव चंद्रशेखर, नारायण राणे, पुरुषोत्तम रूपाला, अर्जुन मुंडा, आरके सिंह, इन सभी को मोदी 3.0 कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। सो ये थी पूरी लिस्ट मिनिस्टर्स की। इस लिस्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें स्विच।